हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 3 तारीख 3 अक्टूबर। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली बोलते समालखा जा रहा हूँ, जहाँ कि आपको पता होगा जो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं कि समालखा में नवंबर में 16 से 20 तारीख तक समागम होने वाला है। तो वहीं पे हम लोग एडवांस सेवा के लिए जा रहे हैं। तो दो कारें जा रही हैं जिसमें 10-12 लोग हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे, 10-10:30 में यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेगा वहाँ ग्राउंड पे, क्या सेवाएं चलती है, कैसे क्या होता है। तो डेली व्लॉग्स आपको कोशिश करूँगा डेली आपको दोपहर 12 बजे तक आपको व्लॉग्स मिल जाए। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, मेरा एक ये बैग है और एक बैग ये है जिसमें मेरे सारे कपड़े और बिस्तर वगैरह है इसमें। तो बस हम रेडी हो चुके हैं और बस हम निकलेंगे यहाँ से, निकलते ही फिर आगरा पकड़ेंगे, आगरा से यमुना, यमुना से फिर वो बाईपास और सीधे हम लोग समालखा पहुंच जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ 9 दिन, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ तो वापसी हमारी 9 को है। तो डेली व्लॉग्स मैं डालूँगा, तो कीप सपोर्टिंग और बने रहिए हमारे साथ। नंकार कर दो, दनंका जी काजू दान, इधर आगे सामने से यहाँ से काजू दनंकार दनंका दानंकार जी अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे रुके हुए हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे हैं और बस इसी रोड पे चलते जा रहे हैं। अरे मुझे ना दिखा यार। और अभिषेक सब हल्के हो रहे हैं, हल्के होते हैं फिर थोड़ा खाना पीना खाते हैं और आगे कोई रेस्ट रूम पे रुकते हैं। और संजय पाजी और बस थोड़ा खाते पीते और निकलते सीधे समालखा की तरफ, और जैसे अपडेट होगा आपको अपडेट कर देंगे आगे। और फाइनली अभी हम लोग एक ब्रेक दे रुके हैं और ये है सत्तू के पराठे और ये सब खाने सब खा रहे हैं और अभी सब खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। जैसे सत्तू के पराठे खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। प्यार ना करियो ना करियो, ये हमारे पीपी भाई। और अभी खाना पीना हो चुका है, बस खा पी के अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। लेट्स सी कब तक पहुंचते हम लोग समालखा। अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बस अभी चाय वाय पी के बस हम लोग निकलेंगे और सीधे पहुंचेंगे समालखा। तो चले फिर रिफ्रेशमेंट लेते हैं फिर मिलते हैं आगे आपसे। चल चल के हालत खराब हो चुकी है, तो अभी हमने कुंडली क्रॉस किया है और यहाँ से अभी हमको लगेगा कम से कम 1.5-2 घंटा और लगेगा समालखा पहुँचने में। तो अभी सब फ्रेश हुए हैं और दोनों गाड़ियाँ अभी लगी है, तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ, इसके अंदर खाने का है ना, इसके अंदर ऊपर जाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, लाइट कुछ ज्यादा है। ओ फाइनली वी रीच्ड। Thank you.
अभी हम जा रहे हैं लंगर करने। ये लंगर एरिया, लाइट कुछ ज़्यादा आ रही है और अभी हम लंगर प्रवान करेंगे। और ये पूरा लंगर एरिया आप देखोगे, इतने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये पूरा लंगर एरिया, तो अभी हम लंगर करेंगे। और फाइनली हमारा लंगर आ गया और लंगर कर रहे हैं। सारी टेबल सज गई लंगर से। इसको कहीं फेंकना भी तो पड़ेगा। सो हम लोग ने लंगर कर लिया है, बस अब सोने की तैयारी। तो वीडियो करते हैं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।